मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं कर्मचारियों का जो मांग है उसको लेकर के। पुलिस रोक ले है तो देखो, पुलिस अपना मांग नहीं लेता है, पुलिस अपना मांग लेता है का नहीं लेता, उन लोग एक दिन में अपना मांग मिलता है, हम लोग क्यों नहीं मिले। प्रशासन के हम लोग ठेल ठाल के भी जाएंगे, मार खाएंगे खाएंगे, गोली चलेगा तो चलेगा, बाकी हाँ तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। देखिए जो नगर निगम के जो कर्मी थे, जो कर्मचारी थे, अब वो मौर्या लोग से बाहर निकलने लगे हैं। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, कभी ये लोग लगातार, अब जो नगर निगम का ऑफिस था वहाँ पर ये लोग बैठे थे और अब इन लोगों का जो भीड़ है वो बाहर निकल रहा है, ये लोग CM आवास की तरफ निकल रहे। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको बता दें कि 5 दिनों से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए थे। कैसे आगे जाएंगे ये बताइए। अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं कर्मचारियों का जो मांग है उसको लेकर के, अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं। कर्मचारी हड़ताल में है, 21 सितंबर से कर्मचारी हड़ताल में है और उनका मांग है। ऐसे आगे जाइएगा आप लोग, ये बताइए। हम लोग कोई भी आदेश प्रशासन को उल्लंघन नहीं करेंगे, हमारा शांतिपूर्ण हड़ताल है। लाठी गोली खाएंगे लेकिन आगे जाएंगे, हाँ लाठी गोली खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गेट तोड़ के जाएंगे, हाँ टूटेगा। जो भी आपको देखिए तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि बोलिए क्या। तो का मसीहा है जी, देवेंद्र राम जी, हमको सब चिंता है। कैसे आगे जाएंगे ये बताइए, कैसे गेट खुलेगा, गेट खुलेगा शासन के द्वारा रोक, प्रशासन से हम कोर्ट पड़ेंगे। जो भी सीनियर SP है शासन भी हम लोग के साथ में है, साथ है के जाने के लिए, हमारा ही आदमी नहीं है जी, मुख्यमंत्री मेरा है। डोंट डिस्टर्ब मी, गेट खुलेगा, काइंडली खुलेगा, हम गोल पर के खुलवाएंगे। यहाँ पर हम लोग गुंडागर्दी के लिए नहीं है, हमारी मांगे पूरी हो, जो चाहे देवेंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल, जिसको FIR करना है करे, किसका गोल पड़ेगा। हम यहाँ के जो 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 एक मिनट, यहाँ जो DGP है ना, राजविंदर सिंह भट्टी की, कौन है, हम लोग के जमाने में SP थे, मेरा 55 बरस उम्र हो रहा है, समझे, तो पढ़े लिखे आदमी है, अगर अगर हमसे कोई गलत ढंग से पेश आएगा तब हम गलत ढंग से आएंगे। तो देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो नगर निगम के जो कर्मी थे, आपको बता दें कि बीते 5 दिनों से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और ऐसे में आज ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने जा रहे थे, हालांकि प्रशासन के द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया। देखिए आपको हम दूसरी तरफ का भी तस्वीर दिखाएंगे कि देख सकते हैं भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो कहीं ना कहीं कर दी गई है। पुलिस रोक ले है तो देखो, पुलिस अपना मांग नहीं लेता है, पुलिस अपना मांग लेता है का नहीं लेता, उन लोग एक दिन में अपना मांग मिलता है, हम लोग क्यों नहीं मिले। उन लोग का 40-60 हजार वेतन मिलता है, हम लोग को 9 हजार में 10 हजार पेट भरेगा। हाँ गेट बंद होगा, जाएंगे, हाँ जाएंगे, तोड़ फोड़ के जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, का करेंगे, खड़ी है तो खड़ी है, हम लोग सब सूत जाएंगे कि मर्डर कर दो। हाँ हम लोग नीतीश कुमार से कहेंगे कि हम लोग के सबको मर्डर कर दो, हाँ तो हम लोग के 9 हजार हम लोग का थाई किया जाए, हाँ हम लोग का थाई किया जाए। नीतीश कुमार से गुस्से में लग रही है, हाँ नीतीश कुमार आज मेरी मांग पूरी कर ली है, नीतीश कुमार से कभी गुस्से में लग रही है, काहे ना गुस्से में लड़ेंगे, उनको से कायदा से काम करेंगे कि हम लोग के मांग दिया जाए, हम लोग का स्थाई किया जाए, हम लोग काहे ना उनका से लड़ेंगे, उनको उनका गुह मुत क्या कर रहा है, डोम जमार मेस्तर क्या कर रहा है, आए कर गुह गाय भैंस मर रही तो डोमे चमार मेस्तर भी गए, दोसर बिकता है, आए जाइएगा आगे, आए आगे जाइएगा, जाएंगे नहीं, कैसे जाएंगे प्रशासन के हम लोग ठेल ठाल के भी जाएंगे, मार खाएंगे खाएंगे, गोली चलेगा तो चलेगा, बाकी हाँ तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, डरेंगे नहीं, एकदम हाँ एकदम जाइबे करेंगे, जाना है तो जाना है, हड़ताल है तो हड़ताल, जब मांग पूरी नहीं हो तो हम नहीं जाएंगे, एकदम यही धरना गिराएंगे, चाहे जेल जाने ना, प्रशासन हम लोग के ले जाए, बंद कीजिए तब वो हम लोग जाने के लिए, गुस्सा में हम लोग का स्थाई दीजिए, 9 हजार रुपये में क्या होता है, कुछ होगा, 9 हजार में किराया जुड़ता है, बच्चा के पढ़ाएंगे, हाँ दम जारी रहेगा तो जारी रहेगा। अब इन लोगों को बैरिकेटिंग लगाकर
रोक दिया गया। आपको बता दें कि लोग समान काम समान वेतन के साथ साथ अस्थायीकरण और भी कई सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे, और ऐसे में नगर निगम के कर्मियों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने का चेतावनी दिया गया था। हालांकि भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो कर दी गई है, और कहीं ना कहीं जो नगर निगम के कर्मी है वो अब जो नगर निगम का ऑफिस था वहाँ पर ये लोग सुबह से ही बैठे हुए थे, अब वहाँ से ये लोग जो थे वो अब बाहर निकल रहे थे। हालांकि प्रशासन के द्वारा इन लोगों को रोक दिया गया। हमने आपको वो भी तस्वीर दिखाया कि किस तरीके से भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो कर दी गई, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जिन लोगों का साफ साफ कहना है कि फाटक टूटेगा लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने जाएंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।